हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौत प्रूफ, जो इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल की लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट फैब्रिक फिनिशिंग थी, जो लास्ट उसका थर्ड पॉइंट था स्पेशल फिनिशिंग, जिसमें पहली थी हमारी वाटर प्रूफ, अब है हमारी मौत प्रूफ यानी कीड़ों से बचाव। यह परिसज्जा ऊनी व रेशमी बहुमूल्य वस्त्रों को कीड़ों से रक्षा करने हेतु यह परिसज्जा दी जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर कुछ फ्लोराइड का घोल लगा दिया जाता है। फ्लोराइड कीटों के लिए विष की तरह कार्य करते हैं और घरेलू उपयोग में वस्त्रों को धूप दिखाकर नीम की पत्तियों व नेफ्थेलिन की गोलियों को डालकर सुरक्षित किया जाता है। यानी इस परिसज्जा में जो ऊनी फाइबर्स होते हैं हमारे या सिल्क फाइबर हैं उन पर कीड़े आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि ये जो वस्त्र हैं अगर इनको हम नमी में रखते हैं तो इन पर कीड़े बहुत जल्दी लग जाएंगे। इसलिए इन कपड़ों पर या तो हम किसी दवाई फ्लोराइड का घोल लगाएंगे या किसी अदर दवाई का घोल लगाएंगे, या फिर हम इन वस्त्रों को कीट से बचाने के लिए धूप में रखेंगे थोड़ी देर, ताकि जो वस्त्र की नमी है वो निकल जाए, और उसके बाद हम वस्त्र को रखेंगे ताकि वे सुरक्षित रह सके। इसलिए वस्त्रों पर जो कीड़ों से बचाव के लिए या तो वस्त्रों को धूप में सुखाया जाता है थोड़ी देर, जैसे ऊनी वस्त्रों को या सिल्क के वस्त्रों को, या नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें किसी कॉटन के कपड़े में रख देने से जो उनकी नमी है वो दूर हो जाती है, या जो कीड़े लगने की जो संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर नेफ्थेलिन की गोलियों को डालकर हम वस्त्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह हमारा बेसिक फिनिशिंग, जो हमारी आधारभूत फिनिशिंग है, जो हम हर तरह के वस्त्र पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इन परिसज्जाओं में कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें आधारभूत माना जाता है यानी बेसिक फिनिशिंग माना जाता है, अर्थात ये सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए अनिवार्य है, जिसमें कि सबसे पहली है वस्त्र को सीधा करना। यानी जो हमारी पहली थी टेंटरिंग प्रोसेस, उसमें क्या था, हम रोलर्स में जो मशीन थी हमारी टेंटर, उसमें हम वस्त्र यानी जो हमारी फैब्रिक की दोनों सेल्वेजें उनको हुक की सहायता से उसमें बांध देते हैं, और उसमें क्या होता है, वस्त्र सीधा भी होता जाता है और सूखता भी जाता है, जो कि हमारी टेंटरिंग प्रोसेस है यानी वस्त्र को सीधा करना। सेकंड है वस्त्रों पर प्रेस करना, या जिसे हम कहते हैं प्रेसिंग या आयरनिंग, जो नॉर्मल सब तरह के कपड़ों पर की जा सकते हैं, यानी जैसे कॉटन के कपड़े हुए उन पर आसानी से प्रेस की जा सकती है। नॉर्मली हर तरह के कपड़े पर प्रेस करना एक बेसिक सी फिनिशिंग है। उसके बाद है वस्त्रों पर सफ़ेदी लाना यानी ब्लीचिंग लाना। ब्लीचिंग तब की जाती है वस्त्रों पर या तो जब वस्त्र पर दाग धब्बे लगे हों, उन धब्बों को हटाना हो, या फिर जो वस्त्र पर पीलापन है उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग परिसज्जा का उपयोग किया जाता है, या वस्त्र को सफ़ेद करने के लिए हम ब्लीचिंग यूज़ करते हैं। इसी तरह है रोए, गांठे तथा धागा काटना, जिसे हम कहते हैं थ्रेड कटिंग। यानी जब हम वस्त्र पर रोए या गांठे आ जाते हैं या एक्स्ट्रा धागा आता है सिलाई के बाद, तो हम उन एक्स्ट्रा धागों को काटते हैं फिनिशिंग के दौरान, तो जिससे फैब्रिक और अच्छा लगता है, तो ये हमारी है थ्रेड कटिंग। इसी तरह वस्त्र को भरना या कड़ा करना, जैसे स्टार्च, अलग अलग तरह के स्टार्च से वस्त्र को कड़ा व भरा जाता है, जो फैब्रिक की वीविंग है उसको और ज़्यादा भरा जाता है, जिससे फैब्रिक जो है वो हैवी बनता है और अच्छा लगता है देखने में। तो इसी तरह हमारी स्टार्चिंग भी हम अलग अलग तरह से करते हैं, जैसे राइस स्टार्च, अरारोट स्टार्च, कॉर्नफ्लोर स्टार्च, अलग अलग स्टार्च से हम ये स्टार्च की जो फिनिशिंग है इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह वस्त्रों को साफ करना यानी वॉशिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है फिनिशिंग की, जो नॉर्मली हर तरह के कपड़ों पर डेली यूज़ में अप्लाई की जाती है, जिससे वस्त्र को साफ किया जाता है। इसी तरह वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों को हटाना यानी स्टेन रिमूविंग या स्पॉटिंग, इसके द्वारा वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को स्टेन रिमूवर से हटाया जाता है, जिससे वस्त्र को साफ और अच्छा बनाया जा सके। स्पॉटिंग का मतलब भी यही होता है कि स्टेन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो स्टेन रिमूविंग या स्पॉटिंग एक ही तरह है,
यानी वस्त्रों पर दाग धब्बों को हटाना। तो जो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल सब्जेक्ट है, जो इसकी लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, ये आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो जो ये आपका सब्जेक्ट है ये आज कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में।